फ्रेंड्स, मैं हूँ जूही और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को सिलाई सिखा रही हूँ, तो जिन किन्हीं को भी सिलाई सीखना है और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम लोग जगह की थ्योरी करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अभी प्रैक्टिकल कॉपी ले लीजिए, जिसके एक तरफ का पेज प्लेन होता है ताकि उसमें हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे, और दूसरे तरफ का पेज लाइनिंग वाला होता है जिसमें हम लोग डिटेल्स लिखेंगे। ऐसा करने से आपके पास सिलाई की नोट्स तैयार हो जाएगी और जब भी आप कुछ भूलेंगे तो ये कॉपी आपकी उसमें मदद करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जंघिया का डिटेल्स लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हेडलाइन देना है यहाँ पर जंघिया का। यहाँ जंघिया लिख के हेडलाइन दे दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आप किस चीज़ का डिटेल्स लिख रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले आप डिटेल्स नोट करेंगे, कपड़ा आधा मीटर, लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 7 इंच, साइड भाग 4 इंच, मियानी 2 इंच, मोहरी 7 इंच, मोड़ भाग 2 इंच। और यहाँ नोट लिख लीजिए कि कपड़े को सुंदर बनाने के लिए दूसरे रंग के पाइपिंग का प्रयोग करेंगे। कपड़े को सुंदर बनाने के लिए आपको दूसरे रंग का पाइपिंग देना है, यहाँ पर नोट लिख लीजिए। हम लोग जंघिया का ग्राफ तैयार करेंगे। इस तरह से ग्राफ तैयार करना है, उसके लिए पेंसिल और स्केल ले लेंगे, और स्केल की मदद से हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले लंबाई लेंगे, लंबाई लेना है 10 इंच। उसके बाद चौड़ाई लेना है, ये कमर की चौड़ाई है, 7 इंच लेना है। इस तरह से 7 इंच चौड़ाई लेंगे। फिर उसके बाद साइड का भाग लेंगे 4 इंच, यहाँ साइड का भाग 4 इंच लेंगे। फिर मियानी लेंगे 2 इंच, यहाँ मियानी लेना है 2 इंच। और उसके बाद साइड का भाग का जो छोर है और मियानी का जो छोर है, दोनों को मिला लेंगे इस तरह से। ये होगा मोहरी 7 इंच मोहरी। फिर ये जो लाइनिंग खींचे हैं हम लोग, वहाँ से 1 इंच का दूरी पे गोलाई देना है दोनों का छोर में इस तरह से। यहाँ पे आपका कटिंग होगा, ये वाला कटिंग नहीं होगा आपका, ये वाला कटिंग होता है, इस तरह से गोलाई में कटिंग होगा, तो इसलिए गोलाई कर लें। और यहाँ जो साइड का भाग है, यहाँ पे आप 2 इंच का दूरी पे एक और लाइनिंग खींचें इस तरह से। 2 इंच पहले नाप लें और निशान लगा लें, उसके बाद इस तरह से लाइनिंग खींचें। ये आपका मोड़ भाग है, यहाँ से आपका इस तरह से मुड़ेगा आपका कपड़ा, जो लाइनिंग है इतना दूरी से इस तरह मुड़ेगा और उसमें इलास्टिक लगेगा। तो यहाँ भी लिख लें 2 इंच मोड़ भाग। और सब चीज़ों को आप नोट कर लें, यहाँ पे लिख लें, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा आपको लंबाई है, कौन चौड़ाई है। यहाँ लंबाई लिख लें 10 इंच, कमर की चौड़ाई 7 इंच, साइड का भाग 4 इंच, मियानी 2 इंच, 7 इंच का मोहरी। और यहाँ से यहाँ 1 इंच का दूरी पे आपको गोलाई करना है, और कपड़े को 4 फोल्ड में रख के काटना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 फोल्ड में, और यहाँ से यहाँ का दूरी है 2 इंच, ये आपका मोड़ भाग है, तो यहाँ पर लिख लें 2 इंच मोड़ भाग। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है और मुझसे कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।